राधे राधे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगी दाल पालक बनाना। तो मैं आपको बताती हूँ मैंने इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ली हुई हैं। ये मैंने एक कटोरी उड़द की दाल ली हुई है, ये मैंने 300 ग्राम पालक लिया हुआ है, ये थोड़ी सी हल्दी है, ये स्वाद नमक लिया है, ये अदरक और मिर्ची का पेस्ट है, और ये थोड़ा सा मैंने घी लिया हुआ है। ये मैंने 3 टमाटर पीस रखे हैं, देसी टमाटर। तो मैं बताती हूँ आपको मैंने कैसे बनाना है। ये मेरा फ्यूचरा प्रेशर कुकर, मैं इसको बनाऊँगी। तो ये मैंने फ्यूचरा प्रेशर कुकर ले रखा है, इसमें मैं दाल पालक बनाऊँगी। ये पालक मैंने धो के काट के रखा हुआ है। अब मैं इसको इस कुकर में डाल दूंगी, ऐसे ही डाल दूंगी। और मैंने इतनी एक कटोरी उड़द की दाल इसको धो के मैंने इसमें रखा हुआ है। ये एक कटोरी उड़द की दाल है, इसे भी मैं इसमें डाल दूंगी। मैंने इसे भी इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें 1 किलो पानी डालूंगी, इस 1 किलो के बराबर पानी है, 1 किलो पानी मैं इसमें डाल दूंगी। ये मैंने पानी डाल दिया है। 1 लीटर स्वादानुसार नमक डालूंगी। हम लोग थोड़ा नमक कम यूज करते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा नमक लिया है। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं। अब मैंने इसमें नमक डाल दिया है। ये अदरक और मिर्ची का पेस्ट है, मैं इसको भी इसमें डाल दूंगी। और ये हल्दी है, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। और ये हींग है, हींग पालक और उड़द के खाने में हींग बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, मैं इसमें हींग भी ऐसे ही डाल दूंगी। कच्ची हींग डालने से दाल में फ्लेवर अच्छा आता है। अगर हम इसको भूनते समय, तड़का लगाते समय हींग डालेंगे तो दाल में फ्लेवर अच्छा नहीं आता है। उबाल के बहुत अच्छा हींग का फ्लेवर आता है दाल में। और ये थोड़ा सा मैं देसी घी डाल दूंगी। इसको डालने से हमारे कुकर में अगर ज़्यादा पानी, कभी कुकर में पानी बाहर निकलने लगता है, अगर मैं घी या ऑयल, कुछ भी, मैंने घी डाला है, आप ऑयल भी डाल सकते हैं अगर, तो हमारा ये जब उबलते समय पानी बाहर नहीं आएगा। और ये मैंने टमाटर पीस लिए हैं 3, ये मैं तड़के के समय यूज करूँगी, तो इसे मैं अभी इसमें नहीं डालूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ, बंद कर दूँगी। अब मैंने कुकर को बंद कर दूंगी। ये मैंने कुकर को बंद कर दिया है। और ये इसकी सीटी है, इसे मैं ऐसे लगा दूंगी। और अब मैं इसे गैस पे रख दूंगी और गैस को ऑन कर दूंगी। अभी मैं ये भी बताऊंगी कि ये कुकर कैसे यूज किया जाता है। इसमें सीटी नहीं आती है, इसमें जैसे ही ज़्यादा प्रेशर बनने लगता है तो फिर इसकी गैस को सिम कर देते हैं। मैं आपको अभी दिखाती हूँ किस समय गैस को सिम करेंगे। अब मेरे कुकर में पूरा प्रेशर बन चुका है, ये इस तरह से प्रेशर देता है बाहर। तो अब मैं अपनी गैस को सिम कर दूँगी। ये मैंने बिल्कुल सिम कर दिया है और अब मैं इसमें 15 मिनट इसको पकने दूंगी। और ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनके जो फ्यूचरा प्रेशर कुकर को यूज नहीं करते हैं। जो यूज करते हैं उनको तो पता है कि इसमें कैसे बनता है खाना। मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनके पास जो आम कुकर इस्तेमाल करते हैं, तो ये थोड़ा उन कुकरों से हटके है इसका इस्तेमाल, इसलिए मैं इसको भी वीडियो के साथ साथ आपको बता रही हूँ। अब मैं 15 मिनट इसमें पकने दूंगी बिल्कुल सिम आंच में। अब हमारे 15 मिनट हो चुके हैं, मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। मैंने गैस को बंद कर दिया है और अब मैं गैस पर से उठा के इसको दूसरी गैस पर रखूंगी और 5 मिनट में इसका गैस निकलने तक का वेट करूंगी। जब हमारा कुकर ठंडा हो जाएगा, इसमें से कुकर में से गैस निकल जाएगी, उसके बाद मैं तड़का लगाऊंगी। तो तब तक, जब तक हमारी कुकर ठंडा होता है, इसमें गैस निकलती है, तब तक मैं तड़के के लिए कढ़ाई रखती हूँ गैस पे। मैंने कढ़ाई गैस पर रख दी है और मैंने गैस ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें दो
दो टेबल स्पून ऑयल डालूं। मम्मी तड़का लगने में कितना टाइम लगेगा? अभी थोड़ा लगेगा, 4-5 मिनट लगेंगे। तेल गरम, कढ़ाई गरम होगी, उसके बाद तेल गरम होगा, तो बेटा 5 मिनट लगते हैं। अब जब इसमें से धुआं आने लगेगा, उसके बाद हम इसमें जीरा डालेंगे। ये जीरा है, इसको डालेंगे। और ये मैंने प्याज ले रखा है, काट रखा है, ये भी तड़के में इस्तेमाल होगा। ये मैंने लहसुन पीस रखा है, ये भी इस्तेमाल होगा इसमें। ये थोड़ा सा गरम मसाला है, ये भी डालूँगी मैं। और ये हल्दी वो धनिया पाउडर है, ये भी डालूँगी मैं इसमें। और ये हमारे टमाटर हैं जो मैंने पीस रखे, ये भी डालेंगे। मैं बताती हूँ आपको कैसे बनाऊँगी। अभी मेरा तेल गरम हो रहा है, तो वेट कीजिए। तेल गरम हो चुका है, मैं सबसे पहले जीरा डालूँगी। ये मैं साबुत जीरा इसमें डालूँगी। तेल हो चुका है, इसमें मैंने जीरा डाल दिया। अब मैं इसको चटकने दूंगी, जीरा थोड़ा ब्राउन ब्राउन हो जाएगा, इससे खुशबू आने लगेगी। तो अब मैं इसमें ये पिसा हुआ लहसुन डालूंगी। मैंने लहसुन डाल दिया, थोड़ी देर में इसको भी भून लूंगी ऐसे, सिर्फ एक मिनट में इसको भी भून लूंगी लहसुन को। देखिए इस तरह से मैंने लहसुन और जीरे को भून लिया है। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी। मैंने इसमें प्याज डाल दिया है, ये भी मैं अब मैं इसको थोड़ा लाल लाल होने तक भूनूंगी। लगेंगे इसमें 3 मिनट लगेंगे, प्याज को ब्राउन होने में 3 मिनट पक्का लगेंगे। आप ऐसे ही बनाइए जैसे मैं बना रही हूँ, तो आपकी डिश बहुत अच्छी बनेगी। ये बहुत टेस्टी होता है दाल पालक, हेल्दी भी होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, और बनता भी बहुत टेस्टी है, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। रोटियों के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, ये चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटियों के साथ भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए अब हमारा तड़का तैयार हो रहा है। तड़के से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत सुंदर खुशबू आ रही है। अब ये हमारा तड़का लहसुन जीरा प्याज अच्छा भुन चुका है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें टमाटर डालूँगा, पीसे हुए टमाटर इसमें डालूँ। पीसे हुए टमाटर इसमें डाल दिए हैं, ये देखिए इस तरह से। ये मैं गरम मसाला इसमें डाल दिया, ये मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है, अब इसमें तड़के का सारा सामान चला गया है। अब मैं इसको 5 मिनट में इन टमाटरों को पका लूँगी। टमाटर का जो प्यूरी बनाई है मैंने पीस के, इसको मैं 5 मिनट पका लूँगी। जब ये तेल को छोड़ देगा फिर मैं इसमें दाल डाल दूँगी। अभी जब तक हमारा कुकर ठंडा हो रहा है, उसमें गैस निकल रही है, तब तक मैं इसको इधर तड़का मैंने तैयार कर लिया है। थोड़ा इसको मैं पाँच मिनट से पकने दूँगी। इस तरह से मैंने बंद कर दिया है, थोड़ा हमारा टमाटर पकने लगेगा फिर मैं इसमें दाल। अभी ये गरम है, हो चुके हैं और मेरा तड़का बहुत अच्छी से बन गया है। मसाले सब भुन चुके हैं, देखो तेल ने मसालों को छोड़ दिया है।
अब हम अपना कुकर खोलते हैं। ये देखिए मैं अपना कुकर खोल रही हूँ। ये मैंने कुकर खोल, ये देखिए कुकर मैंने खोल दिया है। और देखिए दाल कितनी अच्छी तरह से गली हुई है, मेरा दाल पालक कितना अच्छा गला हुआ है। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से गला है। मैं इसको रोटियों के साथ खाऊंगी, इसलिए मैंने थोड़ा इस दाल को गाढ़ा बनाया है। अगर आपको चावल के साथ खाना है और आप थोड़ा पतली दाल पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़ा पानी और मिला सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी इसको। दाल मैंने इसमें डाल दी है और अब मैं इस तरह से इसको चला लूंगी। इस तरह से तड़के को इसमें मिला दूंगी। थोड़ा सा कुकर में दाल लगा हुआ तो मैं इसमें थोड़ा पानी डाल के, ये पानी मैंने इसमें डाल दिया धो के कुकर को। अब मेरी दाल बिल्कुल बन के रेडी है। ये बस एक मिनट के लिए मैं इसको ढक दूंगी। मिनट के लिए मैं इसको ढक दूंगी और गैस को फुल कर दूंगी। सिर्फ एक मिनट ओनली का है। दाल अच्छी से तड़के में मिल चुकी है। ये बहुत टेस्टी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है ये। वाह मम्मी, दाल तो बहुत टेस्टी लग रही है। अभी मैं इनके साथ तुम्हारे लिए रोटी सेकूंगी। रोटियों से तुमको मैं ये दाल खिलाऊंगी। कब खिलाओगे? बस जस्ट अब रोटियां सेकनी बकाया है और ये मैं ऊपर से हरा धनिया से गार्निश करते हैं। ये दाल बनके हमारी रेडी है। गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं और इसे ढक देते हैं। बहुत टेस्टी है, बहुत यम्मी है। पालक बनके रेडी है। आप इनको रोटी के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।